दिनांक 2 अक्टूबर 2021 को जनपद बाराबंकी के जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी की मासिक बैठक एवं सत्ता हिंसा के लंबरदार महात्मा गांधी जी तथा देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला अध्यक्ष हाफिज आयाज अहमद की अध्यक्षता और प्रीतम सिंह वर्मा के कुशल संचालन में समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक एवं गांधी जयंती का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार सिंह गोप जी ने महात्मा गांधी जी तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्या अर्पण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मासिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझकर एमएलसी और विधानसभा के चुनाव में लग जाए। समाजवादी पार्टी की नीतियों और हम सब के नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कराए गए कामों को लेकर जनता से रूबरू होकर चर्चा करें। आने वाला समय समाजवादियों का है, थोड़ी सी मेहनत करें और परिश्रम करके जिले की सभी सीटें जीती जा सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से ज्यादा कार्यकर्ता किसी के पास नहीं है। बूथ स्तर तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करें और वोट बढ़ाने की भी जोरदार भरपूर मेहनत करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में 4 महीने काम धाम बंद करके मजबूती से चुनाव लड़ना है, कामयाबी आपकी होगी ऐसा मेरा विश्वास है। जिला अध्यक्ष हाफिज आयाज अहमद ने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने बूथ पर वोट बढ़ाने संबंधित कार्यों को पूरा कर ले, बीएलओ से संपर्क करें जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, फॉर्म जमा करा कर उनका वोट बढ़ाएं। इस अवसर पर मौजूद लोगों में सपा विधायक धर्मराज सिंह, सुरेश यादव, एमएलसी राजेश यादव राजू, पूर्व विधायक रामगोपाल रावत, राम मगन रावत, रतनलाल राव, रामनाथ मोर, रामचंद्र मिश्र, अजय वर्मा, बबलू, जीशान असलम, अदनान चौधरी, नेहा सिंह, अदनान सहज राम पटेल, इंतखाब आलम नोमानी, हुमायूं नईम खान, हशमत अली गुड्डू सहित तमाम नेतागण उपस्थित रहे। बाराबंकी टीवी इंडिया 3 ब्यूरो रिपोर्ट। परसों 12 महीने की मीटिंग होनी है और विधानसभा शुरुआत होनी है जी। हम दोनों लोग वापस आ गए मीटिंग की तैयारी में लगे और सूरज जी के सामने मौरंग मिट्टी में वो सभा हुई थी कार्यकर्ता साथियों को याद होगा। किसी नेता ने कहा कि नेताजी इन दो लोगों को समय कम मिला भाजपा करने कैसे सभा होगी। नितिन का उस जिले को हम जानते हैं और रामेश्वर यादव जी का जिला, तो ये दोनों नेता इस कार्यक्रम के लिए मैं भरोसा तभी इनको बुलाया गया, ये भरोसा होना चाहिए नेता के ऊपर आपका, तब नेता बन पाओगे। हम ही नेता हैं, हम ही सब कुछ कर लेंगे तो लंबा नहीं चल पाओगे।